हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और खुद का ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग है फ्रेंड्स 888 पोर्टल की। 888 पोर्टल आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है, जिसमें हम आप दोनों की एनर्जीज चेक करेंगे, एक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 888 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं। एट नंबर शनि का नंबर है, कर्मा का नंबर है। ऐसे में जिन लोगों के अकाउंट में गुड कर्मास भर भर कर हैं उन्हें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एंड जिन्होंने किया है बुरा, देखा डिसीट का कार्ड, जिन्होंने दिए हैं धोखे, तोड़े हैं दिल, हर्ट किया है, परेशान किया है, उनकी लाइफ हेल बनने वाली है। मेरे व्यूअर्स की साइड भी डिसीट का कार्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स आज के दिन उन लोगों को लेकर परेशान हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया है, उनका दिल तोड़ा है, उनका विश्वास तोड़ा है, एंड सोच रहे हैं कि क्या उन्हें उनके कर्मा का रिजल्ट मिलेगा। मेरे व्यूअर्स आज के दिन में आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो ये हो रहे हैं इनडिसाइसिव। एंड नेक्स्ट कार्ड है कॉर्नोकॉपला का। तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं या कुछ तो है जो ठीक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से ये इनडिसाइसिव हैं, परेशान हैं। ये अपनी लाइफ में पहले की तरह ग्रोथ, अबंडेंस और स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, बट ये क्वाइट कंफ्यूज्ड हैं कि इनकी लाइफ में इतना सब बुरा बुरा कैसे हो रहा है। एट नंबर का कार्ड है। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि जहाँ जहाँ इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, आपको वैल्यू नहीं दी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, एंड अब ये इंसान ना खुद में परेशान हो रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ पहले जैसी अच्छी क्यों नहीं हो पा रही, कैसे होगी, कब होगी, ये सारे थॉट्स ना आपके पर्सन के माइंड में चल रहे हैं 888 पोर्टल से। 25 नंबर, 716 नंबर्स, 11, 29, 20, 46, 119, 28, 10, 2, 8, 17, 26, ये नंबर्स, ये डेट्स इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर्स के लिए या आप दोनों के ब्यूटीफुल से कनेक्शन के लिए। तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना जहां आप परेशान हो और सोच रहे हो कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है उनके साथ क्या होगा, क्या उन्हें कभी समझ में आएगा, कुछ लोगों के मन में तो बस यही थॉट आ रहा है कि एटलीस्ट आपके पर्सन अपनी गलतियों को समझ जाएं, रिग्रेट में आ जाएं, गिल्ट में आ जाएं, या उन्हें समझ में आए कि उन्होंने क्या बुरा किया है, ठीक है। और वहीं आप में से कुछ लोग ना आज के दिन में ही इस थॉट प्रोसेस में हैं कि उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, उन्हें उनके कर्मा के, बुरे कर्मा के बुरे रिजल्ट मिल जाएं, आपके साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो। तो ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज और ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं, डाउनफॉल चल रहा है, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब हम चेक करते हैं टैरो से आपकी, आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी काफ़ी स्टेग्नेंट है, प्रोमिनेंट है। द चैरियट एंड नाइट ऑफ कप्स, बॉटम में है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स ना इस पर्सन की तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ मुड़कर देखना नहीं चाहते। धीरे धीरे कुछ लोग इस कनेक्शन से मूव ऑन कर देना चाहते हैं, एंड वहीं कुछ लोग स्पीडी वे से, मतलब आज डिसीज़न ले लिया तो आज तो मैं उसके बाद खुद की भी नहीं सुनूंगी। ऐसा लग रहा है आज के दिन में आप कोई प्रण लेकर बैठे हैं कि इस इंसान ने ये एक्शन लिया तो ठीक, अदरवाइज मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, वो वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है।
कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है। एंड ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों के पर्सन ना आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्शन को पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जेटिकली या प्रैक्टिकली आप ये सिग्नल्स रिसीव भी कर रहे हैं, बट अब आप दोबारा मूर्ख नहीं बनना चाहते। आपके पर्सन की एनर्जी है हर्मिट, द एम्परर एंड द फूल। ऐसा लग रहा है ये रोमांटिकली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ लव, रोमांस, पैशन, सेक्स सब इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये इस टाइम हर्मिट मोड में है, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना। रेस्ट आपके लिए, कोई सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं, थर्ड कन्फेस या कमिट कर देना चाहते हैं, बट इस कनेक्शन को ख़त्म तो नहीं करना चाहते। और अगर ये कनेक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है आप लोगों का, तो ये इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। इनका मन हो रहा है कि बस पलक झपकते ही आऊँ और आपके पास आ जाऊँ और सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूँ। वो वाइब्रेशंस यहाँ आ रही हैं। म्यूचुअली आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हो, लेट्स चेक। दोनों ही गुस्से में हो, आपको इन पे गुस्सा आ रहा है बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं किया। एंड आपके पर्सन को आप पर गुस्सा आ रहा है बिकॉज उन्हें लगता था कि आप कभी नहीं बदलोगे, आप उनकी हर एक हरकत को बर्दाश्त करोगे, बट उन्हें पैम्पर करोगे, उनकी केयर करोगे एंड हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे। बट जब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपके पर्सन कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, इस कनेक्शन को पहले जैसा बना देना चाहते हैं, गुस्से में भी हैं और मायूस भी हैं। वहीं आप अपना मैच्योरिटी लेवल दिखा रहे हो, आप लोगों को बाय हार्ट लगता है कि अब आप जो डिज़र्व नहीं करते, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर, इमोशनल होकर आप वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या है जो अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों के कनेक्शन में होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग कैसी लग रही है, रेजोनेट कर रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए फ्रेंड्स आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं मेरे साथ, जहाँ पर इतने सारे लोगों की बात ना होकर बात होगी सिर्फ आपकी, आपके पार्टनर्स की। एंड वो रीडिंग ऑब्वियसली आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगेगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाएं चेक करें, ईजिली व्हाट्सएप करें एंड अपने सेशंस को बुक कराएं। 888 पोर्टल पर सभी सेशंस पर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, जल्दी से जाएं बुक कराएं। नाउ वी आर गोइंग टू चेक आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आ रही है, मेजर शिफ्ट आ रहा है, क्या है जो आपने सोचा भी नहीं है बट एकदम से हो जाएगा। आपके पर्सन एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, आपको रोकने के लिए, एंड ये तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये इंसान तो कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। एंकर ऐसा लग रहा है जो विशेष मांग मांग के आप थक चुके हो एंड आपको लगता है कि यार ये काम तो मेरा होगा ही नहीं, वो विश आपकी एकदम से मैनिफेस्ट हो जाएगी। 35 नंबर, 23 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एज हो। 12 नंबर, हाउ स्वीट। ऐसा लग रहा है टू ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या किसी सोल जर्नी का पार्ट हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिकंसिलिएशन और रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। पता नहीं क्यों एक ऐसी वाइब आ रही है कि अगर आप सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, ठीक है, एंड बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन का, रीयूनियन का, तो डेफिनेटली वो भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है। अब हम चेक करते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, और फ्रेंड्स 888 पोर्टल पर आपको क्या करना है। एटलीस्ट नेक्स्ट 40 डेज तक आपको एक रूल बनाना है कि रेगुलर एक छोटा सा कर्मा ज़रूर करना है ऐसा, जिसके बाद आपको खुद को ब्रेवो कहने का मौका मिले। किसी ज़रूरतमंद को कॉइन्स दीजिए, डोनेशंस दीजिए, फूड दीजिए, किसी को बिस्किट का पैकेट दे दिया, टॉफीज़ दे दी, किसी को अप्रिशिएट कर दिया, किसी को मोटिवेट कर दिया, किसी को सपोर्ट कर दिया।
ठीक है, किसी बर्ड की हेल्प कर दी, एनिमल की हेल्प कर दी। रेगुलर आपको वन गुड कर्मा करना ही करना है, एंड सोने से पहले उस कर्मा के लिए खुद को ब्रेवो बोलना है। नेक्स्ट 40 डेज आप इस टेक्निक को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें, एंड 40 डेज बाद आप देखेंगे कि जो आपने सोचा भी नहीं था वो भी आपके लाइफ में एकदम से होने लग गया। आई मीन टू से पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव थिंग्स एकदम से मिरेकल की तरह आने लगेंगी। सो हम चेक कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस, रिप्लेस फियर विद लव। आप लव डिजर्व करते हो एंड आपको मिलेगा। मैनिफेस्ट योर ट्रू इंटेंशंस एंड सी अदर पीपल एज दे आर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।